आगरा से बड़ी खबर आ रही है। दारोगा प्रशांत यादव की गोली मारकर हत्या की गई है। विवाद को सुलझाने पहुंचे थे दारोगा। इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि प्रशांत यादव कई थानों की पुलिस मौके पर वहां पर पहुंची हुई है। बड़े अधिकारियों ने भी वहां पर डेरा डाला हुआ है। थाना खंदौली के नारहरा की घटना बताई जा रही है। विवाद को सुलझाने पहुंचे थे दारोगा, लेकिन हत्या कर दी गई है। गोली मारकर हत्या की गई है। आगरा से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद। दारोगा प्रशांत यादव की गोली मारकर हत्या की गई है। विवाद को सुलझाने पहुंचे थे दारोगा साहब प्रशांत यादव, कई थानों की पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची हुई है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि इसी मौके पर कई बड़े अधिकारी भी मौजूद है। थाना खंदौली की ये अहम घटना इस वक्त बताई जा रही है। दारोगा के गर्दन में गोली लगी है। जो दारोगा विवाद को सुलझाने गए थे, उन्हीं की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गर्दन में गोली लगी है। सवाल कई सारे खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर आगरा में अगर दारोगा के साथ ही इस तरह की घटना की जाए तो आम जनता का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कई बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद भी हैं और इस विवाद एक विवाद चल रहा था जिसको सुलझाने पहुंचे थे दारोगा प्रशांत यादव। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर कैसे जिसका विवाद सुलझाने खुद प्रशांत पहुंचे थे, उनकी हत्या कर दी गई। गर्दन में गोली लगी है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आगरा से आ रही है सबसे बड़ी खबर इस वक्त आगरा से, जहां दारोगा प्रशांत यादव की गोली मारकर हत्या की गई है। तो दारोगा के गर्दन में गोली के निशान भी मौजूद है। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। ऑन स्पॉट की ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज वन इंडिया पर आप देख रहे हैं। आगरा की आ रही है जहां एक विवाद को सुलझाने गए थे दारोगा साहब, लेकिन क्या हुआ इसका अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं होगा। एक विवाद को सुलझाते सुलझाते किसी ने दारोगा की हत्या कर दी, गोली मारकर हत्या की गई है। तो आगरा से अहम खबर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मोहित सिसोदिया का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित, जल्दी से बताइए क्या पूरा मामला है। विवाद को सुलझाने गए थे दारोगा, लेकिन इसका अंदेशा इन्हें खुद को नहीं होगा, गोली मारकर हत्या की गई है दारोगा की। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से एक ये उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी एक घटना है ये सामने आई है, एक दरोगा की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। थाना खंदौली क्षेत्र के ये गांव लहरा का मामला है जहां पर ये दो भाइयों का विवाद था, जिसका समझौता कराने के लिए सूचना पर एसआई पहुंचे थे। एसआई जैसे ही दोनों भाइयों में विवाद बढ़ता गया और उसके बाद में जब एसआई ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की तो एक भाई ने आनन फानन में देसी तमंचे से उसमें गोली मार दी। घटना स्थल पर ही एसआई की मौत हो गई। वहीं अब प्रेजेंट में थाना पुलिस साथ ही आपको बता दें कि एसएसपी व एडीजी मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें कि एक ये इतनी बड़ी घटना है और जिससे कि गांव में पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है फिलहाल में जी। लेकिन मोहित, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक विवाद को सुलझाने जब दारोगा पहुंचता है और समस्या का समाधान ढूंढता है तो उस दारोगा पर ही गोली चला दी जाती है, क्या इस पर और जानकारी मिल पा रही है? क्या पुलिस किसी नतीजे पर पहुंची है? बिल्कुल, आपको बता दें कि अधिकारियों के आप बता दें कि ये टीम गठित कर दी गई है, जो आरोपी हैं उनके तलाश की जा रही है। आखिर ये छोटी से एक मामूली विवाद था, इसमें एक एसआई की गोली मारकर आखिर क्यों हत्या की गई और जो आरोपी है उसकी भी दबिश दी जा रही है जी। और एडीजी मौके पहुंच गए हैं जी। क्या विवाद पूरा बताइए यहाँ पर हमारे दर्शकों को मोहित, कि आखिर क्या विवाद था जो सुलझाने पहुंचे थे दारोगा प्रशांत? बिल्कुल, जैसे कि दर्शकों को हम आपको बता दें, न्यूज़ इंडिया दर्शकों को, कि ये दोनों भाइयों का ये जमीनी विवाद था जिसमें कि आलू से संबंधित विवाद निकल के आ रहा था। इसी को देखते हुए सूचना पर एसआई पहुंचे थे। जैसे ही मामला बिगड़ता गया तो एक भाई ने आनन-फानन तुरंत एसआई में गोली मार दी, जिससे कि एसआई की मौके पर ही मौत हो गई है जी। आरोपी कौन है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? अभी फिलहाल में इसमें जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये कौन आरोपी थे और आखिर इस मामूली बात में इतनी एसआई की हत्या कर दी जाती है। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि एक छोटे से विवाद में एक एसआई में क्यों गोली मारी गई। इसी में अधिकारी भी इसी बात को लेकर के डेरा डाले हुए हैं गाँव में, गाँव में को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही आरोपियों की तलाश की जा रही है जी। क्या दारोगा प्रशांत के अलावा कोई और वहां पर मौजूद था?
बिल्कुल जो बताया जा रहा है अब तक उनके साथ में एक सिपाही भी मौजूद था, लेकिन जैसे ही गोली मारी गई है तो आरोपी वहां से फरार हो गए और उसके बाद में जो सिपाही था उसने कंट्रोल रूम में फोन किया, कंट्रोल रूम से जो फोर्स पहुंचा उसके बाद में वहां से जो एसआई थे उन्हें वहां से हॉस्पिटल के ले जाया गया जहां पे उनके उन्हें मृत घोषित कर दिया है जी। क्या सिपाही से कोई जानकारी मिल पाई हो, आपकी बातचीत हुई हो और उन दो भाइयों का क्या पता लग पाया है अब तक मोहित, जिनके बीच में जमीन को लेकर विवाद था? अभी तक जो आरोपी हैं उनकी अभी तलाश की जा रही है, साथ ही आपको बता दें कि सिपाही से जो अधिकारी हैं वो अभी बात कर रहे हैं कि ये पूरा मामला क्या था जी। मोहित सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि जब दारोगा के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो आम जनता कहाँ सुरक्षित रहेगी? बिल्कुल, एक उत्तर प्रदेश में ये कोई बहुत बड़ी एक घटना है कि जब एक एसआई में और एक गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है तो आम जनता की किस तरीके से सुरक्षा की जाएगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल उठता है जी। एक के बाद एक इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे पहले भी हमने देखा था विकास दुबे वाला जो पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद अब एक ये बड़ा एक्शन सामने आया है, पुलिस पर इस तरह गोली चलाना, आरोपी का क्या कोई पता लग पाया है? क्या उन दो भाइयों या उनके किसी परिजन से आपकी बातचीत हुई हो? अभी अभी जो पुलिस है उन्होंने परिजनों से, पुलिस ही अभी बातचीत कर रही है, अभी मीडिया से उन अभी बातचीत करने के लिए मना कर दिया गया है, जिससे कि अभी मीडिया बात नहीं कर पा रही है अभी परिजनों से, जिससे कि पूरा मामला समझ में आ सके, जो हम अपने न्यूज इन इंडिया के दर्शकों को बता सकें कि पूरा मामला क्या था। लेकिन जब तक जो अब तक जो मामला सामने निकल के आ रहा है वो यही मामला है कि जो जमीनी विवाद था इसी को देखते हुए एसआई मौके पर पहुंचे थे समझौता कराने के लिए, लेकिन जो भाई थे उनमें से एक भाई ने ज्यादा गुस्सा में आने के कारण और देसी तमंचे से उन्हें गोली मार दी, जिससे कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाते समय मौत हो गई जी। शुक्रिया मोहित जानकारी के लिए। तो देखिए दारोगा के गर्दन में गोली लगी है, आगरा से इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां दारोगा प्रशांत यादव की गोली मारकर हत्या की गई है। एक मामूली सा विवाद सुलझाने के लिए वो मौके पर पहुंचे थे, लेकिन शायद उनको खुद इस बात का अंदेशा नहीं होगा कि उनकी गोली मारकर हत्या